दो राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ 13 राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं, जिसमें यूपी की 9 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टी राज्य में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अभी भी घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल विधानसभा उपचुनाव में सीटों की हिस्सेदारी के लिए दांव पेच में जुटे हुए हैं। इसमें खासकर निषाद पार्टी का पेच अभी तक फंसा हुआ है। सोमवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संजय निषाद की बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। वहीं अब निषाद पार्टी के साथ सीटों के मसले को सुलझाने का जिम्मा नड्डा ने बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल को दिया है और अब सुनील ने संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद के साथ बैठक की, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये बैठक भी बेनतीजा निकली। संजय निषाद और उनकी पार्टी इन दोनों ही सीटों को लेकर अड़ गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सुनील बंसल ने दोनों सीटों को लेकर संजय निषाद से पूरी डिटेल ले ली है और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि वे इस मुद्दे पर पीएम मोदी के दिल्ली लौटने पर उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो अभी देश से बाहर हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी संजय निषाद को मझबा और कटहरी की सीट देगी या फिर महज आश्वासन ही दिया है, क्योंकि निषाद के तेवरों से लग रहा है कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए उपचुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।